क्या कर रहे पढ़ रहे थे हम सर सेक्शन आर्टिकल 22 पढ़ना था। अच्छा अभी शुरू करनी है? यस सर, सर आपने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, सर थोड़ा सा आपने टेक्स्ट पढ़ा दिया था। ठीक है, ठीक है। उसमें 22 में पांच फैक्ट जो हैं वो रेलेवेंट हैं। एक तो ये है कि जी कर देना, ऐसे फैक्ट्स जो इंट्रोडक्टरी हैं या प्लेन करते हैं जब इट्स कोर्ट और रिबट एन इंफरेंस सजेस्टेड बाई इफेक्ट एन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ये मेरा ख्याल एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। और तीसरा है कि टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट और फिक्स द टाइम एंड प्लेस एट विच दे हैपेंड और शो द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। तो बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मेरा हर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो रहती है। इस पर जो मटेरियल ऊपर मैंने रखवाया है उसमें मेरा एक डिटेल्ड आर्टिकल है जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को डील करता है। उसमें पुलिस रूल्स का भी जिक्र है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का भी जिक्र है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों होती है, कब ज़रूरी है, कब ज़रूरी नहीं है, क्या ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, इसका स्कोप क्या है, क्या अक्यूज भी डिमांड कर सकता है कि मेरी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाओ अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करवाती, या अगर अक्यूज को कहा जाए कि तुम आओ हमारी शिनाख्त परेड होनी है, वो कहते हैं कि मैं नहीं जाता, वो ज्वाइन नहीं करता, उसका क्या इफेक्ट है। फिर है कि कौन करता है आइडेंटिफिकेशन परेड, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डील करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक यानी आप ये तसव्वुर करें कि दो तीन आदमी किसी कार में जा रहे हैं, यकदम आगे उनको रोक लिया गया, चार पांच बंदे आ गए, एक गाड़ी के दरवाजे के करीब आ गया, एक सामने खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया और दो चार मिनट में उन्होंने रॉबरी की और भाग गए। अब ऐसी सूरत में जब अननोन कल्प्रेट्स हों, पहले से जान पहचान ना हो, जिनको फीचर से फिर डिस्क्राइब किया जाता है एफ आई आर में कि चार पांच बंदे थे, कद ऐसा था, एक दाढ़ी थी, छोटे कद का था, एक लंबे कद का था, जो कुछ भी है वो फीचर दे दिए जाते हैं, पर ऐसी सूरत में शिनाख्त परेड अब ज़रूरी हो जाती है। क्या ये लॉ की रिक्वायरमेंट है? ऐसी सूरत नहीं है, क्योंकि ना सीआरपीसी में इसका जिक्र है कि प्रोसिक्यूशन को हर सूरत में आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी चाहिए और ना ही यूएसओ में इसका जिक्र है। सिर्फ ये है कि ये एक रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर है और आर्टिकल 22 है वो इसको डील करता है। उसमें सिर्फ एक ही लाइन है कि भाई to establish the identity of a thing or person. तो identity of a thing में चीज़ें आ जाती हैं, कोई property अगर कोई लूट ली गई है, चोरी का माल है और वो recovery हो जाए तो फिर लेकर ऑफ एफ आई आर को पुलिस वाले बुला देते हैं कि आओ जी अपनी चीज़ों की शिनाख्त करो अगर तुम्हारी इसमें जाए तो। लेकिन जब एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की बात होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो है किसी एसरटेन पर्सन के हवाले से, दूसरा है एज ए डूअर ऑफ सम एक्ट, क्रिमिनल एक्ट। यहाँ जो हम डील कर रहे हैं ये वो लोग हैं, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन है जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट की होती है। एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी शख्स के हवाले से कि जी ये क्या इसके फीचर्स फलां से मिलते हैं और ये वाकई उसका बेटा है या भाई है या क्या है, तो वो भी है। इस तरीके से वॉयस की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। लेकिन जो हम डील कर रहे हैं इस वक्त वो डील कर रहे हैं कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो क्या है, उसके मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं। अब कहा यह जाता है कि ये दोनों के हक में है, प्रोसिक्यूशन के हक में भी और अक्यूज के भी हक में।
प्रोसिक्यूशन के लिहाज से इसलिए हक में है कि प्रोसिक्यूशन फिर इस काबिल हो जाती है कि अगर वो बंदा सक्सेसफुली गवाहान जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनके पास एक सॉलिड एविडेंस उन लोगों के खिलाफ मुहैया हो जाती है जिनको उन्होंने सजा दिलवानी है, क्योंकि अदरवाइज तो वो अननोन है, कोई उनको नहीं जानता, कोई जानता नहीं है। अक्यूज के हक में इसलिए है कि अगर वो बेगुनाह साबित हो जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो तो रीजन नहीं, तो ये दोनों के हक में है, प्रोसिक्यूशन के भी हक में और अक्यूज के भी हक में, डुअल पर्पज इसका। अदरवाइज ऑब्जेक्ट इसका है यही है कि किसी इनोसेंट बंदे को खामखार किसी शक की बना पर उसको बलबस ना कर दिया जाए, इसलिए वन शुड बी डेफिनेट कहाँ जी यही बंदा था जिसने ये एक्ट किया है और ये फला फला इसके साथ ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। तो ये असल में टेस्ट गवाहान का भी है, गवाहान का इस लिहाज से कि उनकी मेमोरी का टेस्ट है, उनकी ऑब्जर्वेशन का टेस्ट है कि कहाँ तक अगर आप जस्ट एक फ्लिम्सी ग्लिम्स है एक चंद मिनट के लिए वो बंदे जो हैं सामने आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो क्या उस बंदे की इतनी मेमोरी है कि वो उसके नक्शे जो है या उसके जो फीचर्स हैं वो अभी तक उसके जेहन में हैं, क्या वो इस काबिल है, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी जो है वो इस काबिल है, कोई मेमोरी है या शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग साइटेड है, कलर ब्लाइंडनेस है या क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर ये भी देखना पड़ता है कि किस वक्त वो हुआ हुआ है, रात को हुआ है, रात को आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है, दिन को हुआ है, क्या सूरज की रोशनी सामने से आ रही थी, क्या बंदा पहचान सकता था, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर सूरज की रोशनी सामने से पड़ रही हो तो आंखें चुदे आ जाती है, बंदे को पता नहीं पता चलता कि क्या है। तो ये टेस्ट क्योंकि मेमोरी फेड हो जाती है, मेमोरी अल्टीमेटली आपके जेहन से उतर जाती है, तो जब तक आपकी मेमोरी आपका काम दे रही है, इसीलिए जोर ला ये फोर्स देती है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जल्द अज जल्द करवाओ। ये नहीं कि अरेस्ट होने के बाद फिर 15 दिन तक आप इंतजार में बैठे रहें, या बाद दफ़ा मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देते हैं SHO या IO कि जी ये आइडेंटिफिकेशन कराने को 10 दिन के बाद डेट, ये भी गलत है। तो प्रॉपनेस इसमें होनी चाहिए जल्द अज जल्द, ताकि गवाहान जो हैं उनको भी यानी दिक्कत ना हो पहचानने में, और गलत बंदा जो है वो पहचान यानी ना उसको मरम्मत कर लिया जाए। तो ये उसका ऑब्जेक्ट है, मेन पर्पज जो है, और प्रोसिक्यूशन का यही है कि उनको एक ठोस एविडेंस जो है वो मिल जाती है। अब ये है कि क्या अक्यूज्ड भी डिमांड कर सकता है? अब अक्सर ऐसा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन ने समझा कि नहीं, ये गवाहान तो ऑलरेडी उससे वाकिफ है, उसको जानते हैं, बाय नेम जानते हैं या शक्ल से जानते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत में प्रोसिक्यूशन कहती है कि जी हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाते। तो क्या अक्यूज डिमांड कर सकता है कि प्रोसिक्यूशन मेरी आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाए? इस बारे में मुख्तलिफ फैसले आए, शुरू शुरू में फैसले यही आए कि ये उसका राइट नहीं है कि डिमांड करे कि मेरी शिनाख्त परेड कराओ। फिर कहा गया, कुछ फैसले आए कि भाई चले, ला का तो ला में तो जिक्र नहीं है, ला में तो ये भी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन जरूर करवाए, तो अक्यूज का राइट कैसे हो सकता है वो डिमांड करे कि मेरी जरूर करवाओ? तो वो कहते हैं कि लेकिन कुछ लॉ प्रूडेंट भी है, कोई एहतियात का तकाजा भी है, लिहाजा आपको क्या तकलीफ है, क्या हर्ज है आपका, वट वुड बी एट स्टेक अगर आप इसकी यानी शिनाख्त करा दें? ज़्यादा से ज्यादा यही है ना कि वो आपके गवाहान उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये बात तो आपके हक में जाती, खराब तो नहीं जाती। इसीलिए कोई इंस्ट्रक्शन भी गवर्नमेंट ने 1940 में जारी की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, जो उस वक्त तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, कि अगर अक्यूज डिमांड करता है कि मेरी शिनाख्त परेड करवाई जाए तो फिर किसी सूरत भी इनकार ना किया जाए। तो ये है स्कोप कि अक्यूज खुद भी डिमांड कर सकता है। अब बाद ऐसा भी हुआ है कि अक्यूज को कहा गया भी चलो शिनाख्त परेड
वाहन आए हुए हैं तुम्हारी शाख से होते हैं, मैं नहीं जाता। आप उसको मजबूर तो नहीं कर सकते, यू कॉन्ट कंपेल हिम। ऐसी सूरत में जब प्रोसिक्यूशन उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहती है वो नहीं आता, तो एक इन्फ्रेंस हम ड्रा करेंगे, एक अखज़ करेंगे कि ये वाकया ही इन्वॉल्व है जो ये कतराता है, ये शराब नहीं करवाता, ही मस्ट बी गिल्टी। और अगर अक्यूज डिमांड करता है और प्रोसिक्यूशन नहीं करती तो कोर्ट कहती है कि ये फिर तुम्हारे खिलाफ जाएगी बात कि क्यों तुमने नहीं करवाई। तो दोनों सूरतों में अक्यूज इनकार करे तो उसके खिलाफ जाएगी, और अगर प्रोसिक्यूशन इनकार करे तो फिर प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाएगी। तो ये तो है एक इन्फ्रेंस। अब पुलिस रूल्स है 26.32 पुलिस रूल्स है ऊपर पड़े हुए लाइब्रेरी में, जो चैप्टर का नंबर होता है सबसे पहले वो आता है, ये 26 इज द नंबर ऑफ द चैप्टर। पॉइंट 32 का मतलब है रूल 32। किसी को बाज दफा यानी 24 है जो FIR को डील करता है, 24 आगे रूल 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह 25 है जो इन्वेस्टिगेशन को डील करता है, तो 26 जो है वो भी इस तरीके से इसको डील करता है। इसी तरह हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 डील करता है विद क्रिमिनल केसेस, जिसमें ये भी है कि रिमांड कैसे होता है, कब रिमांड देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स जो CRPC में आते हैं उसके लिहाज से मुख्तलिफ चैप्टर हैं उसके, उन्हीं चैप्टर में से एक चैप्टर 11B है जो डील करता है विद शिनाख्त पे, जिसमें कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट करेगा, क्या तरीकाकार होगा, कैसे वो कंक्लूड करेगा, कैसे मुलजमान को एक एक करके बैठाएगा, उनके साथ कितने बंदे जो है वो ऐड करेगा, उसी शक्ल वाले, उसी कद वाले, उसी काठ वाले, ये सारे इंस्ट्रक्शन उसमें हैं। फिर जब जब वो एक उसकी तरफ डिटेल में हम आते हैं, तो नक्शन ये है कि वो सुपरवाइज जब कर रहा है तो उसने साथ साथ लिखते भी जाना है, तो ये यानी उसमें दिया गया है। तो पुलिस रूल्स में भी है कि पुलिस वाले भी कर सकते हैं, उनके लिए ये था पुलिस रूल में है कि अगर मैजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो तो फिर पुलिस ऑफिसर खुद शिनाख्त परेड कंडक्ट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दो इंडिपेंडेंट पर्सन को इन्वॉल्व करें उसमें, ऑब्जर्व करें उसको कि ये प्रोसीडिंग सही हो रही है, कोई यानी जो पुलिस ऑफिसर है वो गड़बड़ नहीं कर रहा। लेकिन अब हमारा जो सेटल लॉ है वो ये है कि पुलिस अपना आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं करेगी, नंबर वन, किसी थाने में नहीं होगी, कहाँ होगी, जेल में होगी। तो ये करेगा कौन? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वही जिसको हम इलाका मैजिस्ट्रेट कहते हैं, जिस थाने का केस है उसी थाने का जो इलाका मैजिस्ट्रेट है पुलिस वाले उसको देंगे दरख्वास्त कि जनाब ये मुलजमान पकड़े हैं हमने, इनकी शिनाख्त करवानी है, आप बराह करम कोई हमें डेट दे दें। तो लॉ कहता है कि दो चीज़ें मद्देनजर रखनी है आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से, पहली तो ये कि देयर शुड बी नो डिले, प्रॉपर्ली जल्द अज जल्द। दूसरा ये है कि रिमांड जो है, जब आप अब देखें आपने सेक्शन 61 CRPC का पढ़ा होगा, पुलिस गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे तक अपने आप अपने पास रख सकती है, ऐसे ही है ना, और अगर मजीद दरकार हो तो फिर क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अब 24 घंटे में अगर उन्होंने यानी अगर तो 24 घंटे के अंदर ही ले जाते हैं कि जनाब इनकी शिनाख्त परेड करवानी है, क्योंकि वो तो डेट जब देगा मैजिस्ट्रेट तो तभी करेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे हाई कोर्ट के फैसले हैं, जिसमें ज़्यादा बड़ा डिटेल फैसला है, कुलीनमा रमदे का पहली बार जज ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट, फिर आसिफ सईद खोसा साहब की भी जब लाहौर हाई कोर्ट के थे, थोड़े बड़े डिटेल में इसका प्रोसीजर बताया है। प्रोसीजर ये है कि जब आप उसको गिरफ्तार करते हैं ऐसे को जिसकी शिनाख्त परेड करवाना ज़रूरी है,
तो जब उसको हवालात में रखते हैं तो हवालात के आगे एक पर्दा लटका दें ताकि उनको ये मौका ना मिले कहने का कि जी गवाहन को हमारे चेहरे दिखा दिए गए थे, इसलिए ये सारा ड्रामा है और एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन कुछ सही नहीं हो रही। फिर ये कहा गया कि जब पहला रिमांड के लिए पुलिस ने लेकर जाना है उसको मजिस्ट्रेट के पास, तो उसको कहा जाए अक्यूज्ड को कि भाई अपना चेहरा ढांप कर रखो। अब आप देखते हैं कि अक्सर टीवी में मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उनके चेहरे ढांपे होते हैं क्योंकि उनकी शनाख्त परेड अभी करवानी होती है। तो ये यहाँ तक कहा गया कि आप पहला रिमांड लेकर उसको फौरी तौर पर जुडिशल में भेज दो, मैजिस्ट्रेट से आप पहला रिमांड जुडिशल का लें, क्योंकि 167 में दोनों कैटेगरी का रिमांड हो सकता है, जुडिशल भी। कितनी किस्म के रिमांड है भाई? तीन किस्म के जी, तीन किस्म के। कौन कौन से? फिजिकल रिमांड और जुडिशियल, दो किस्म के। तीसरी किस्म पता नहीं कहाँ से आ गई भाई। भाई दो होते हैं, फिजिकल पुलिस एक ही चीज है, जुडिशियल या फिजिकल कह रहे हैं या पुलिस कह रहे हैं, ये एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। दो सेक्शन क्या है? वो पुलिस रिमांड नहीं होता, वो किसने कहा है? रिमांड कौन देता है? हमेशा मैजिस्ट्रेट। तो पुलिस तो खुद गिरफ्तार कर रही है उसको, उसने तो रिमांड नहीं लिया, वो तो पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करने का राइट है, उसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो जो कस्टडी में है पुलिस की, वो रिमांड के तहत नहीं है, वो तो पुलिस के अपने इख्तियार के तहत है। असल रिमांड शुरू होगा 167 से, और पढ़े ना 61 को, पुलिस जब खुद गिरफ्तार करती है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, तो वो रिमांड भाई नहीं है। अब क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई एम डेफिनेट असर्टिवली यही पोजीशन है जो आपको बता रहा हूं, ये तीसरा रिमांड कोई नहीं होता। ठीक है सर। तो अब जो पहला रिमांड है, अब 167 पर एज ही थिंक्स फिट, एनी कस्टडी एज ही थिंक्स फिट, यानी वो चाहे तो रिमांड पहले दिन उसको जुडिशियल में भेज दे, चाहे तो फिजिकल दे दें, ये जनरल बात कर रहा हूँ। फिजिकल देता है जी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 15 दिन तक दे सकता है, यकदम नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा करके देगा और फिर चेक करेगा कि पिछली डेट्स पर क्या किया है, और फिर उसी के दौरान, उसी 15 दिन के दौरान वो चाहे तो उसको जुडिशियल रिमांड में भेज दे, और अगर पुलिस को बाद में उसके जिस्म की ज़रूरत हो और 15 दिन अभी मुकम्मल ना हुए हों तो फिर वो दोबारा फिजिकल रिमांड दे सकता है। तो यहां मैं बात कर रहा था कि जो पुलिस को यह कहा गया है कि आप पहला रिमांड जुडिशल लें, उसको जुडिशल में भेज दें और उसकी शिनाख्त परेड करवाएं, फिर आपने जो तफ्तीश में कोई चीज रिकवर करनी है तो फिर आप उसका फिजिकल रिमांड लें। यह भी सिर्फ इसलिए कि उन अक्यूज को यह मौका ना मिले के मेरे चेहरे दिखा दिए गए थे। तो दो चीजें हैं, एक तो डिले नहीं होना चाहिए, दूसरा उनके चेहरे जो है हत्तर बसा कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मुलजमान के चेहरे गवाहान जो है वो ना देख सके। ये तो है रिक्वायरमेंट, करेगा ये मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अब इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्रोसीजर है कि बंदे जेल में चले गए, पर चार मुलजम है, चार ही गवाहन है, गवाहन को किसी अलग कमरे में बिठा दिया जाएगा, जहां मैजिस्ट्रेट मौजूद है वहां कोई पुलिस वाला नहीं होगा, पुलिस वाला अगर है तो निकाल दो उसको, जेल वाला भी कोई मेंबर जो है वहां नहीं होगा, बल्कि जेल वालों को बता दिया जाए कि भाई आपस में एक कम्युनिकेशन का जरिया ना बन जाना, एक को बताते ना कि ये हुआ है तुम ये करो। अब चार मुलजम है, एक मुलजम को बुलाया जाएगा,
चार वाहन है जो किसी एक कमरे में दूर बैठे हैं, जो वहां से नहीं देख सकते यहां कार्रवाई क्या हो रही है। जो एक मुल्ज़िम आएगा पहला, उसके कद काट जिस्म के हवाले से बंदे चुने जाएंगे और बंदों की तादाद होगी 9 या 10। उनको कहते हैं डमी, DUMIES, डमी। तो हर अक्यूज के साथ 9 या 10 डमीज होगी, उनमें से किसी जगह उसको बैठा दिया जाएगा जी, किसी जगह बैठा दिया जाएगा। शर्त यह है कि अगर सपोज उसकी दाढ़ी है तो फिर सारे दाढ़ी वाले होने चाहिए, अगर कोई लंबे कद का है तो लंबे कद के होने चाहिए, अगर कोई काले रंग का है तो फिर उसके फीचर से मिलता जुलता हो, फेयर कलर का है तो वो उससे हो, ताकि वो शिनाख्त करने में उसको इतनी आसानी ना हो। एक तो ये बात, दूसरी ये है कि एक वो आएगा, अब जब मैजिस्ट्रेट लिखेगा ना एक की यानी शिनाख्त के लिए, तो जितने डमीज को इन्वॉल्व किया है उनके पर्टिकुलर लिखेगा, नाम, बल्दियत, रिहायश। जाहिर वो भी उस वक्त या अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट होगा या सजा भुगत रहा होगा या अभी सजा के इंतजार में होगा, उसके पर्टिकुलर सब के लिख दिए जाएंगे। अब एक गवाह आएगा, पहचानो भाई ये है, सही पिक किया, मैजिस्ट्रेट लिख लेगा कि गवाह फलां आया है, फलां मुल्ज़िम को, मैजिस्ट्रेट को तो पता है एक मुल्ज़िम इनमें से कौन है और इसने सही बंदा चुना है, पिक कब किया वो लिख लेगा। अब उस गवाह को इधर किसी और कमरे में बिठा दिया जाएगा ताकि उस कमरे वाला और उस कमरे वाला आपस में कोई कम्युनिकेशन ना हो, ना वो देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ना वो देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अब दूसरा आएगा, अब दूसरी डमी अलग होगी, फिर 9-10 बंदे इन्वॉल्व होंगे या फ्रेश डमी होगी, उसके फीचर्स के लिहाज से वो फिर कतार में बैठ जाएंगे और वो जब आएगा और अगर वो नहीं पहचानता उसको, तो वो लिख लेगा कि इस मुल्ज़िम ने, इस गवाह ने मुल्ज़िम फलां को फिर नहीं पहचाना। अभी तो एक ही चल रहा है ना, यानी अभी एक ही मुल्ज़िम जो है उसी की शिनाख्त चारों करेंगे आके और उनमें से जो कर लेगा वो लिख लेगा कि कर लिया है, जिसने नहीं किया वो कहेगा कि नहीं किया। अब यहाँ पर बाज़ दफ़ा मुल्ज़िम जो है वो कोई इतराज़ करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, कोई पॉइंट रेज करते हैं या कुछ गवाह कुछ कहते हैं, तो मैजिस्ट्रेट उनके जो भी यानी ऑब्जेक्शन हैं या जो कुछ वो कहते हैं वो भी लिख लेगा कि उसने ये कहा है या उसने ये कहा है। फिर तीसरा आएगा, उसकी भी यही इसी तरीके से, कर लिया है तो लिख लेगा कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। फिर चौथा आएगा, अब ये एक अक्यूज की आइडेंटिफिकेशन हो गई, अब दूसरा क्यूज आएगा, ये गवाहन फिर वापस चले जाएंगे, फिर दूसरी डमीज 10 या 9, फिर दूसरे के साथ उसी के फीचर्स के मुताबिक, उसी के काट काट के मुताबिक, फिर एक एक करके आएगा हुआ और वो उसको पहचान लिया तो लिख दे के पहचान लिया, नहीं पहचाना तो नहीं पड़ा, इस तरीके से। अब ये शुरू शुरू में ऐसे भी हुआ, उस वो जो केसेस मैंने उसमें आप पढ़ेंगे वो सारे केस रहा है, इंडियन ज्यूरिस्डिक्शन का भी, पाकिस्तान के ज्यूरिस्डिक्शन है। बाद दफा ऐसा हुआ कि चार अक्यूज हैं, चार ही बंदे बैठा दिए, चारों को इकट्ठे बैठा दिए, ये भी गलत, इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डमीज के तादाद 9 या 10 होनी चाहिए, ना इससे कम हो कि आइडेंटिफिकेशन यानी आसानी से हो सके, ना इससे ज़्यादा हो कि आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो सके। तो ये एक यार्ड स्टिक मुकर्रर की है कोर्ट ने कि 9 या 10 उन्हीं के फीचर्स वाले बंदे जो हैं उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाए, इससे ज्यादा ना ज़्यादा हो ना इससे इतने कम हो, वो मिल जाते हैं इस जेल में ना, दूसरी में मिल जाते हैं। इसलिए कि अब आप अपनी क्लास में देख लें, कोई कद काठ वाले एक दो होंगे जो मिलता है, और देखो ना ये दोनों इनका कद काठ एक जैसा है
ये आप है और लोग पीछे से बैठे खड़े हो गए तो बता दिया मतलब है कि तो मिल जाते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि किसी के कोई कट लगा हुआ है, निशान है, उसको फिर कवर कर दो, फिर सब पर निशान लगाओ। अगर एक पर निशान लगा है तो उसको कवर कर दो किसी कागज से और फिर सारों को उसी जगह को लगा दो ताकि आइडेंटिफिकेशन ना हो सके कौन है इसमें। तो बाज दफा ऐसा होता है कि वो कानों में मुर्गियां डाली होती हैं या वो क्या कहते हैं सुराख होते हैं, है ना? किसी जमाने में बड़ा रवाज था, भाइयां पहनते छोटे छोटे तो सबको बना लो भाई पालियां। लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो अक्सर मिलते हैं, मतलब स्मॉल पॉक्स के किसी जमाने में स्मॉल पॉक्स बड़ी आम थी और अक्सर लोगों के चेहरों पर वो स्मॉल पॉक्स के दाग होते थे। अब तो शायद वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी कंट्रोल्ड है, तो वो कहते हैं कि फिर ऐसी जरूरत में अगर उसके 15 लगे हुए हैं तो फिर तो चेहरा जो है वो आप 15 निशान लगाएगा तो चेहरा बिगड़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में स्मॉल पॉक्स वाले ढूंढ लो भाई कोई ना कोई, या कानों के जो गुदरियाँ हैं वो कोई ना कोई पहन लेगा, या और नहीं तो वो ऐसे भी होती है ना जो लगा देते हैं आर्टिफिशियल होती है। तो मतलब कि यानी उसको आइडेंटिफिकेशन करने में। अब एक बात और, जब एक गवाह आएगा और शिनाख्त करने का किसी बंदे की उन चारों में से, फिर वो ये भी बताएगा मैजिस्ट्रेट को कि जब मौका वारदात पर इस बंदे ने क्या किया था, क्या इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा था या इस बंदे ने जबरदस्ती किसी को वो डराया था असले से, जो भी चारों का रोल होगा मौका वारदात पर वो भी बयान करेगा। इसलिए नहीं कि रोल के मुताबिक सजा दी जानी है, रोल तो सबका बराबर होगा, डकैती तो या रॉबरी तो सबने की है, लेकिन ये जानने के लिए कि क्या इसने ना सिर्फ देखा है बल्कि इसको ये भी याद है कि इसने उस वक्त क्या कहा था, इसने उस वक्त गाली दी थी, इसने उस वक्त ये किया था, ये खामोशी से खड़ा था और ये बंदा जो है इसने उसको खींचा बाहर और उसको ये किया। ये रोल भी बताना जरूरी है। इस पर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले दिए हैं कि रोल को बताए बगैर अगर कोई गवाह किसी को पिकअप भी कर लेता है तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू कोई नहीं। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि मैजिस्ट्रेट को बताए वो कि इसका ये रोल था एट द टाइम ऑफ अकरेंस। अब ये भी सवाल एक पैदा हो गया, ये दो तीन अथॉरिटीज आ गई शुरू में, फिर तवातर से आती चली जा रही हैं, अब भी आ रही हैं कि रोल का बताना बड़ा ज़रूरी है, रोल के बगैर उसकी आइडेंटिफिकेशन की वो हैसियत नहीं। अब क्वेश्चन ये पैदा हो गया, एक केस में गवाह ने रोल नहीं बताया आइडेंटिफिकेशन के वक्त, बंदा पिकअप कर लिया, केस में सुलह हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से ही उसके डिफेंस काउंसिल ने कहा कि जनाब इसने आइडेंटिफिकेशन के दौरान रोल बयान नहीं किया था, लेकिन जब अदालत में उसका बयान हुआ तो अदालत में उसने बताया कि ये बंदे ने ये किया था, ये बंदे ने ये किया था। उन्होंने कहा अदालत में आकर जब उसने शहादत दी है तो फिर रोल बताया है। अब क्वेश्चन ये पैदा हो गया कि क्या अदालत में रोल बताया जाए जबकि आइडेंटिफिकेशन के पीरियड में ना बताया जाए तो क्या वो एविडेंस उसके खिलाफ पढ़ी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पढ़ी जा सकती है, इसलिए कि हमने ये नहीं कहा कि वो रोल अदालत में बता नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की वजाहत की, अपने दो फैसलों की, जिस पर इंसार किया डिफेंस काउंसिल ने, और यही कहा कि जी वो गवाहन अदालत में अगर आकर उसका रोल बयान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे कि जी ये था मुल्ज़म, साथ कहेंगे इसका ये रोल था, तो वो बात कवर होगी और वो एविडेंस भी उस अक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ये तो था यानी उसका रोल और सब कुछ। अब है ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है,
ये तो लिखी जा रही है प्रोसीडिंग्स है, गवाहन के बयान भी लिखे जा रहे हैं, जैसे जैसे गवाह बयान कर रहा है वो लिख रहा है, ये बयान ओथ पर नहीं है, कोई जिरा नहीं है, कोई अदालत नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है जो मैजिस्ट्रेट दे रहा है। तो ये कहा गया कि अगर वही गवाह जब अदालत में आएगा वो तो क्या कर बयान देगा, तो असल एविडेंस वो है, जो सब्सटेंटिव एविडेंस है वो प्रोसीडिंग नहीं है। सब्सटेंटिव एविडेंस उस गवाह की वो है जो उसने अदालत में दी है। तो फिर ये क्या है भाई जी, क्रॉबोरेटर, यस, ये उसके क्रॉबोरेट करेगी। तो क्रॉबोरेटिव एविडेंस इज नेवर सब्सटेंटिव एविडेंस, ये हम इतनी दफा इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ तायद करेगी कि इसने वहां ये कहा था। ये है इन नॉशियल आइडेंटिफिकेशन करे कि इस पर ऊपर बड़ा एग्जॉस्टिव है, अगर शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लें। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, यानी प्रैक्टिकली भी मैजिस्ट्रेट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, और यानी प्रोसीजर भी। हाँ, एंड पर मैजिस्ट्रेट जो है वो एक सर्टिफिकेट देगा, और वो सर्टिफिकेट की बॉडी जो है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में है, और जो मेरा ऊपर आर्टिकल पढ़ा है उसमें हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, और पुलिस रूल्स भी हैं, और मुख्तलिफ फैसले जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और पुलिस रूल्स के हवाले से किए गए हैं, कराची बेंच की है या लाहौर बेंच की है, वो भी मैंने उसमें जिक्र किया है। तो वो एंड पर ये कहेगा कि जो प्रिकॉशंस लेट आउट किए गए हैं उन साइटेशन में, कि मैजिस्ट्रेट ये करेगा ये करेगा ये करेगा ये करेगा, मैजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने सब कुछ कर, नहीं, वन बाई वन लिखेगा, मैंने ये स्टेप भी लिया है, मैंने ये भी, इनको ऐसे बिठाया है, 9 से 10 मुलजम थे और एक एक करके आया है, रोल उसने बताया है, सब कुछ प्रिकॉशंस जो मुख्तलिफ। रमदे साहब की जजमेंट बड़ी एलेबोरेटिव है 1989 की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे केस लॉ को डिस्कस करते हुए एक जामे, यानी वो एक गाइडलाइन दी है मैजिस्ट्रेट के लिए।